भारत में हमने पहले देखा था कि भारत में संस्कृत, फारसी, अरबी आदि साहित्य का अध्ययन और अनुवाद जोरों से चल रहा था। इसमें न केवल मुगल बादशाह बल्कि छोटी छोटी रियासतों के शासक भी पहल कर रहे थे। इस काल में मुंशियों व मुनीमों का काफ़ी महत्व था। वे शिक्षित थे और उनके बिना शासन नहीं चल सकता था। इन लोगों ने मुगल काल के बारे में कई ग्रंथ रचे जिनमें हम उनकी विवेचनात्मक और विश्लेषण की क्षमता देख सकते हैं। मुगलकालीन मध्यम वर्ग की एक और विशेषता यह थी कि वह मिलीजुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी जो भारतीय और मध्य एशियाई तत्वों से बनी थी। वे इन सभी धाराओं से अपनी प्रेरणा लेते थे और उनका दैनिक जीवन इन सबसे प्रभावित था। यही नहीं, वे राजाओं पर आश्रित होने पर भी उनकी स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकते थे। उदाहरण के लिए कई मुंशी अपनी पुस्तकों में औरंगजेब की असहिष्णु नीति की आलोचना करते हैं। भारत और यूरोप की बौद्धिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारत में छपाई प्रेस का उपयोग न के बराबर हुआ। मुंशी और मुनीम, ये लोग मुगल काल के शासकीय दफ्तरों में तथा व्यापारियों के यहाँ चिट्ठी पत्र लिखना, कानूनी दस्तावेज तैयार करना, हिसाब किताब रखना, घटनाओं का विवरण लिखना आदि महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम करते थे। वे विभिन्न देशों की भाषा तथा तौर तरीकों के जानकार भी थे। छत्तीसगढ़ में रतनपुर के साहित्यकार गोपाल मिश्र के अपने व्यंग्यात्मक काव्य खूब तमाशा लगभग सन 1689 में हम उनकी मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को देख सकते हैं। इसके शीर्षक के दोनों शब्द फारसी मूल के हैं। 6.2.3 कला और कलाबोध का एक नया दौर। सन 1300 के बाद भारत सहित कई देशों में कला की एक नई लहर चली। भारत में सबसे महत्वपूर्ण असर वास्तुकला पर देखा जा सकता है। तुर्कों के आगमन से कई नई तकनीकों जैसे भवन निर्माण में मेहराब और गुंबद का व्यापक उपयोग होने लगा। ये तकनीक मूलतः प्राचीन यूनान और रोम में विकसित हुई थी। जब इनका इस्लामी देशों में उपयोग हुआ तो इन्हें एक नया स्वरूप मिला जो इस्लामी धार्मिक सोच को प्रकट करता था। जब इस्लामी गुंबद और मेहराब भारत में बनाए जाने लगे तो इनका मेलजोल पूर्व मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के तरीकों के साथ हुआ। फलस्वरूप एक नई मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला विकसित हुई जिसे हिंदू व मुसलमान दोनों शासकों ने अपनाया। इस परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनकी मदद से हम इस बात को समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यूनानी मंदिरों में छत का वजन उठाने के लिए खंभों का उपयोग किया जाता था। भारतीय मंदिरों में भी खंभे और आड़े बीम छत का वजन ढोने का काम करती थी। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में केवल खंभों व बीमों का उपयोग करते हुए अति विशाल और ऊंचे भवनों का निर्माण किया गया। यहाँ हम खजुराहो मंदिर का चित्र देख सकते हैं जिसमें इस बात की पुष्टि होती है यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इसे हम मंदिर निर्माण कला का उत्तम उदाहरण मान सकते हैं। इसमें एक अत्यंत जटिल आकृति सैकड़ों छोटे मंदिर शिखरों को मिलाकर बनाई गई है। रोचक बात यह है कि उत्तरी यूरोप में भी जटिल आकृति वाले गिरजाघर 12वीं सदी से बनने लगे हैं। इस शैली को गोथिक शैली कहते हैं। इसका एक नमूना पेरिस नगर का प्रसिद्ध नाट्रेडेम गिरजाघर है। आज से 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में छत के वजन को उठाने के लिए मेहराबों का भी उपयोग होने लगा था। मेहराबों की मदद से गुंबदों का भी निर्माण होने लगा था। आगे हम एक रोमन गुंबद पैंथियन देख सकते हैं। अंदर से देखने में यह बहुत भव्य लगता है लेकिन बाहर से देखने में उतना प्रभावी नहीं दिखता। बाहर से प्रभावी गुंबद इस्लामी वास्तुकला की देन है। देखें, यरूशलम में सन 691 में बना गुंबद डोम ऑफ द रॉक का चित्र। इसमें हम देख सकते हैं कि मेहराबों से सजे भवन पर शानदार ऊंचा गुंबद कितना प्रभावशाली दिख रहा है। भारत में इस शैली के साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला का सुंदर मिश्रण हुआ जिसके विभिन्न रूप हम विजयनगर के लोटस महल, फतेहपुर सीकरी के राजमहल आदि में देख सकते हैं। गुंबद और मेहराब का नया और अद्वितीय स्वरूप ताजमहल सन 1648 में देख सकते हैं। ताजमहल के गुंबद और मेहराब में भारतीय नक्काशी व डिजाइन का समावेश है
उदाहरण के लिए गुंबद के शीर्ष पर बना विशाल उल्टा कमल का फूल और उससे निकली कलशावली। गुंबद खुद गोलाई के साथ एक गेंद का आभास देता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जिस गुंबद और मेहराब का उपयोग रोमन साम्राज्य ने प्राचीन काल में किया था, जिसे मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप में भुला दिया गया था, उनका इस्लामी देशों और भारत में भरपूर उपयोग किया गया। यही नहीं, उसे एक नया रूप दिया गया। जब इटली में 14वीं सदी में फिर से प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति में रुचि जगी, तो वहाँ के वास्तुशिल्पियों ने मेहराब और गुंबद का उपयोग फिर से शुरू किया। इसमें उन्होंने गुंबद और मेहराब के उस स्वरूप को अपना आधार बनाया जिसे इस्लामी वास्तुशिल्प ने विकसित किया था। इटली के प्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजेलो ने जब सन 1547 में सेंट पीटर के मकबरे की कल्पना की, तो उसने यूनानी मंदिर, रोमन गुंबद और इस्लामी गुंबदों से प्रेरणा ली। इस तरह की वास्तुशैली जिसमें ऊंचे यूनानी खंभों, मेहराब और गुंबद का उपयोग किया जाता है, को क्लासिकल शैली या शास्त्रीय शैली कहा जाता है। इस शैली का प्रचलन आज भी है।